ओके चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको एक फोटोकॉपी शीट दी थी, ये रही अजय जी, मास्टर जी ये रही अजय जी, इसकी फोटोकॉपी दे दो। कितने लोगों के पास नहीं है ये फोटोकॉपी? हैंड रिटन शीट जो है, 1 2 3 4 5 6 6 7 कॉपियां दे दो इसके आगे पीछे, लिखवा दूंगा मैं, लिखवा दूंगा ठीक है। इसकी 7 कॉपियां दे दो प्लीज, 7। देखो लास्ट टाइम हमने स्टार्ट किया था रूल्स ऑफ कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव, ठीक, रूल्स ऑफ कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव। तो हमने एक दो पॉइंट डिस्कस भी किए थे इसके अंदर, और इसके अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि अगर कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव दो फोर्सेस हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेस वो फोर्सेस हैं जिनके अगेंस्ट हम वर्क डन अगर करें तो वो डिपेंड करता है वर्क डन इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता। जैसे ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क डन किया हुआ कंजर्वेटिव है, जैसे मैं एक ऑब्जेक्ट को एच हाइट पर लेके आता हूँ सीधा या घुमा के लेके आता हूँ या जैसे मर्जी लेके आता हूँ, अगर उसकी अगेंस्ट ग्रेविटी हाइट एच है तो वर्क डन हर केस में विल रिमेन सेम, तो हम बोलते हैं कि वो कंजर्वेटिव है। नॉन कंजर्वेटिव का एग्जाम्पल माइंड में क्या रखोगे? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के अगेंस्ट जितना भी काम हो रहा है वो पाथ पे डिपेंड करेगा, जितनी ज़्यादा आप पाथ लंबा कवर करोगे फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क डन की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा लगेगी, और अगर पाथ कवर्ड छोटा होगा तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन कम होगा। कोई डाउट इसमें? सो इसके अंदर जो नेक्स्ट है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था, आप ये बोल सकते हो कि कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव को डिफाइन करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका ये था, कंजर्वेटिव फोर्सेस में वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता, नॉन कंजर्वेटिव में पाथ पे डिपेंड करता है। और दूसरा तरीका हमने ये सीखा था लास्ट टाइम, कंजर्वेटिव में टू एंड फ्रो अगर मूव करवाएं हम एक बॉडी को इधर से इधर और वापस इधर से इधर, तो नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या आता था? जीरो। लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि अगर एक ब्लॉक को हम यहां से यहां लेके आए और फिर वापस लेके आए तो नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन इज जीरो, जबकि नॉन कंजर्वेटिव में इट वॉज नॉट जीरो। फ्रिक्शन के अगेंस्ट जब वर्क डन किया था चाहे लेफ्ट की तरफ चाहे राइट की तरफ, तो टोटल वर्क डन जीरो नहीं था। तो सेकेंड डेफिनेशन ये थी कि कंजर्वेटिव फोर्सेज वो फोर्सेज हैं कि जिनके अगेंस्ट अगर वर्क डन या जो वर्क डन टू एंड फ्रो मोशन में होगा अगर वर्क डन जीरो आता है तो वो कंजर्वेटिव है, नहीं तो नॉन कंजर्वेटिव है। ये डेफिनेशन लास्ट टाइम हमने सीखी थी जो कि पेज नंबर 2 के ऊपर थी। सो इसमें नोट भी लिखा हुआ है, वर्क डन बाय दीज फोर्सेज आर जीरो इन अ राउंड ट्रिप कंजर्वेटिव, और नॉन कंजर्वेटिव में एग्जाम्पल इज फ्रिक्शन विस्कस फोर्स एंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज नॉट जीरो इन राउंड ट्रिप। नेक्स्ट जो है थर्ड पेज के ऊपर क्या गिवन है? थर्ड पेज के ऊपर गिवन है पोटेंशियल एनर्जी एंड कंजर्वेटिव फोर्सेस। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको डिस्कस करते हैं। वर्क पार्क की ऑब्जेक्टिव शीट इसको नहीं मिली, वर्क पार्क की ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव डिस्ट्रीब्यूट कर दो। देखो नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट की बात मैं कर रहा हूं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और स्पेशली कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आपके स्कूल में तो शायद ना ही पूछा जाए ये पूरा कॉन्सेप्ट, लेकिन जितने भी थोड़े ठीक लेवल के क्वेश्चंस होंगे, थोड़े हायर लेवल के क्वेश्चन जो होंगे वो कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव करके पूछे जाते हैं। तो देखते हैं हमने अभी तक क्या सीखा। हमने ये सीखा कि अगर एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये इसके ऊपर ग्रेविटी फोर्स लगा रही है कितनी? mg, और मैं भी इसके ऊपर फोर्स लगाऊंगा ताकि ऑब्जेक्ट अपनी जगह से यहां से यहां पे आ जाए। मेरा जो वर्क डन होगा, जो मेरा वर्क डन होगा उसको हम एक्सटर्नल कहेंगे। जो मेरा वर्क डन है वो w एक्सटर्नल है, एंड जो ग्रेविटी का वर्क डन है, ग्रेविटी का वर्क डन, वो वर्क डन इंटरनल है। ठीक, याद रखना, मैंने वर्क डन किया वो एक्सटर्नल है, ग्रेविटी ने वर्क डन किया
वो इंटरनल है क्योंकि इंटरनल फोर्स ग्रेविटी है। ठीक है यहां तक। मैं दोनों के वर्कडन्स कैलकुलेट करूं। सपोज एक ऑब्जेक्ट को जब मैं ऊपर लेके जा रहा हूं, पहले अपनी बात करता हूं, मैंने फोर्स कहां लगानी है, नीचे की ऊपर, ऊपर तभी ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा, और मैं फोर्स कितनी लगाऊंगा एम जी, और डिस्प्लेसमेंट कहां करूंगा ऊपर, इनके बीच में एंगल क्या होगा जीरो, फोर्स डिस्प्लेसमेंट एंगल बिटवीन देम इज जीरो, तो मेरा आंसर क्या आएगा एम जी एच, डन। लेकिन मेरा क्वेश्चन चेंज हो गया, मैंने बोला वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स, ग्रेविटी ने कितनी फोर्स लगाई या ग्रेविटी ने कितना वर्क डन किया, मैंने कितनी फोर्स से खींचा उसे भूल जाओ, ग्रेविटी हर वक्त फोर्स कहां लगा रही है नीचे, तो ग्रेविटी के केस में फोर्स कितनी एम जी, डिस्प्लेसमेंट कहां ऊपर, ग्रेविटी की फोर्स कहां नीचे, ग्रेविटी की फोर्स नीचे, डिस्प्लेसमेंट मेरी ऊपर, इस बार मेरी फोर्स नहीं, इस बार ग्रेविटी की फोर्स, और ग्रेविटी की फोर्स कभी ऊपर नहीं होती, ग्रेविटी की फोर्स हमेशा, और एंगल बिटवीन देम इज कितना 180। ठीक है यहां तक। तो जब मैं एक ऑब्जेक्ट को ऊपर लेके जा रहा हूं तो मेरी फोर्स को छोड़ो, ग्रेविटी की फोर्स तो नीचे खींच रही है, तो मैं चाहे ऊपर मूव करवा रहा हूं इससे, पर ग्रेविटी की फोर्स हमेशा वर्क डन करती जा रही है ताकि ऑब्जेक्ट नीचे गिर जाए, और फोर्स कहां लग रही है ग्रेविटी की नीचे, डिस्प्लेसमेंट कहां हो रही है ऊपर, एंगल बिटवीन देम इज 180, cos 180 क्या होता है -1, तो आपके पास आंसर क्या आएगा माइनस एम जी एच। क्या ये डिफरेंस समझ में आ रहा है? हाँ, एक्सटर्नल की ली है फिर मैंने, इसमें फोर्स एक्सटर्नल है जो मैंने लगाई, जिसमें दिखा नहीं रहा हूं मैं ऊपर की तरफ, और इसमें इंटरनल ऑब्वियसली नीचे की तरफ। ठीक है यहां तक, कोई डाउट इसमें? एक चीज नोट करो, जब मैं अगेंस्ट ग्रेविटी ऑब्जेक्ट को ऊपर लेके जा रहा हूं तो एक्सटर्नल वर्क डन इज इक्वल टू माइनस इंटरनल वर्क डन, दोनों में किसका डिफरेंस है, माइनस का डिफरेंस है, आपके सामने ही है, कोई डाउट इसमें? अगर मैं अपना वर्क डन निकालूंगा तो पॉजिटिव होगा, और ग्रेविटी का वर्क डन निकालूंगा तो नेगेटिव होगा, मैग्नीट्यूड तो सेम ही है एम जी एच। ठीक। और अगर मैं ये बोलता हूं कि ये ऑब्जेक्ट जब यहां पर है तो देर इज सम इनिशियल एनर्जी, जीरो है ऑब्वियसली, और जब यहां पर है तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, यू फॉर पोटेंशियल एनर्जी, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि देयर इज सम चेंज इन एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, और बोलो इसका डिफरेंस क्या आएगा एम जी एच, नीचे से ऊपर जाते हुए एनर्जी बढ़ गई, एनर्जी बढ़ने का मतलब चेंज इन एनर्जी पॉजिटिव आएगी, यानी कि एम जी एच, कोई डाउट इसमें? लेकिन एम जी एच की वैल्यू तो एक और टर्म के इक्वल थी, वो क्या, वर्क डन बाय एक्सटर्नल। हम तो काफी दिनों से यही कर रहे हैं कि जो मेरा वर्क डन होगा एक्सटर्नल, वही उसके अंदर बॉडी में स्टोर हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच, कोई डाउट इसमें? यानी कि आप चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल दो या आप एक्सटर्नल वर्क डन निकाल दो, बात एक ही है। ये मैथमेटिकल एग्जाम्पल आपको क्या शो कर रहा है कि जब आप चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हो ऐसे, या आप वर्क एक्सटर्नल निकाल रहे हो, बात एक ही है, कोई डाउट इसमें? लेकिन अगर आप वर्क डन इंटरनल निकाल रहे हो तो आपको साइन क्या लगाना पड़ेगा, नेगेटिव, कोई डाउट इसमें? ठीक है यहां तक, क्योंकि इसका मतलब एमजीएच तो इसका मतलब माइनस एमजीएच, ऐसी था। अब असाइनमेंट पे आओ। इस असाइनमेंट में जो बुक मैं रेफर कर रहा हूं वो एचसी वर्मा की बुक है, उसने अपनी पूरी कैलकुलेशन, पूरी किताब की कैलकुलेशन एक्सटर्नल के साथ नहीं की, जबकि हमने अपना चैप्टर क्लोज कर दिया, हमने अपना एक भी न्यूमेरिकल इंटरनल के साथ नहीं किया, हमारे वर्कडन हमेशा पॉजिटिव निकलते थे एमजीएच, ऐसे ही होता था। इस बुक के अंदर वो सारा काम इंटरनल के साथ करेगा, तो उसके आंसर के अंदर क्या आते जाएंगे, माइनस साइन आता जाएगा। पर जो लोग वो बुक पढ़ेंगे उनको अब समझ में आएगा, क्योंकि वो मेंशन करेगा क्वेश्चन के अंदर इंटरनल या एक्सटर्नल, तो मेंशन करेगा, जब मेंशन करेगा आपको पता लगेगा कि अगर इंटरनल है तो आप भी माइनस लगा देना, अगर एक्सटर्नल है तो पॉजिटिव में छोड़ देना। डिफरेंस समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक, आगे। अब इसके अंदर जो डेफिनेशन है, ये एक यूनिवर्सल डेफिनेशन है पोटेंशियल एनर्जी की, सिर्फ इसी के लिए नहीं, जितने भी कंजर्वेटिव फील्ड्स हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं, सभी के लिए डेफिनेशन वैलिड है।
जैसे अभी हम ग्रेविटी की फोर्स कर रहे हैं जो कि कंजर्वेटिव है, उसमें डेफिनेशन चलेगी। हम प्लस टू के अंदर इलेक्ट्रोस्टैट्स करेंगे, उसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आती है, उसके अंदर ये सेम फॉर्मूला फिर से आएगा एक बार। ठीक है, यहाँ तक वो इंटरनल एक्सटर्नल का कॉन्सेप्ट आपको ठीक एक साल बाद फिर से यूज़ करना पड़ेगा। बीच में कम ही यूज़ होता है, बस एक अब यूज़ होगा, एक बस इलेक्ट्रोस्टैट्स में यूज़ होगा, दो ही लेक्चर में यूज़ होता है। ठीक है यहाँ तक। तो डेफिनेशन क्या है, उसने कैसे डिफाइन किया पोटेंशियल एनर्जी को? उसने ऐसे डिफाइन किया, डेफिनेशन लिखी हुई है पेज नंबर 3 पे, लेकिन ये डेफिनेशन सिर्फ और सिर्फ किन के लिए वैलिड है? कंजर्वेटिव फोर्सेस या कंजर्वेटिव फील्ड के लिए वैलिड है, नॉन कंजर्वेटिव के लिए पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन वैलिड नहीं है। ठीक, तो जब मैं कंजर्वेटिव बोलूँ ना, प्लीज कई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे आज के लेक्चर में, मैं इतनी बार बोलूंगा कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव वो एकदम उनको ऐसा लगेगा कि एक ही चीज चलती जा रही है। अपने मन में ऐसे सोच लेना, जब मैं बोलूंगा कंजर्वेटिव सोच लेना ग्रेविटी की बात हो रही है, जब मैं बोलूंगा नॉन कंजर्वेटिव सोच लेना फ्रिक्शन की बात हो रही है। बस अपने आप याद आ जाएगा कि फ्रिक्शन और ग्रेविटी में तो फर्क होता ही है। तो जब मैं बोलता हूँ कंजर्वेटिव, तो ये एग्जाम्पल ग्रेविटी के लिए चलेगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड है। लेकिन अगर कोई कहे कि फ्रिक्शन के लिए, नहीं फ्रिक्शन के लिए डेफिनेशन नहीं चल सकती। ठीक, तो पहली कंडीशन है इस डेफिनेशन की, ये क्या होना चाहिए? कंजर्वेटिव। क्या है डेफिनेशन? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी UF माइनस यू इनिशियल इज इक्वल टू W, के आगे साइन क्या लगा हुआ है? नेगेटिव। और W के पैर में अगर डालना है तो प्लीज यहां इंटरनल डाल लो, क्योंकि ये डेफिनेशन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। ये देखो, ये रीडेफिनेशन, इसको हटा दो, बन गई डेफिनेशन। वो भी ये कह रहे, मैंने एग्जाम्पल के साथ समझा दिया आपको, डेफिनेशन बना के दिखाई, उसने सीधा बता दिया क्या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस ऑफ W। लेकिन ये याद रहे कि माइनस साइन कब लगता है? जब वर्क डन क्या होते हैं? इंटरनल होते हैं, तो माइनस साइन। और अगर यहां चाहो तो इक्वल टू ये भी लिख सकते हो, इज इक्वल टू वर्क डन एक्सटर्नल, एक ही बात है, वर्क डन एक्सटर्नल या वर्क डन इंटरनल के आगे नेगेटिव साइन वन एंड दी सेम थिंग, ऊपर किया ना प्रूव हमने। समझ में आ रहा है यहां तक? कोई डाउट इसमें? और इज इक्वल टू माइनस माइनस, ये माइनस यहां पे आ गया। और वर्क डन की कैलकुलेशन हम फिजिक्स में कैसे करते हैं? इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर, स्मॉल वर्क डन की इंटीग्रेशन, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन आएगी जो कि क्या लिखी जाएगी? एफ डॉट डी आर। लेकिन अभी अंडरस्टूड है ये फोर्स इसमें इंटरनल है, एक्सटर्नल नहीं है, क्योंकि अगर ये एक्सटर्नल होती फिर माइनस ना लगाता, ये इंटरनल है तो माइनस साइन भी आएगा, तो सेम चीज है ये और ये, एक ही बात है। मेन डेफिनेशन ये नहीं है, मेन ये है, ये आपको समझ में आता है। बस ये कह रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी एक्सटर्नल इंटरनल में कैसे डिफाइन करनी है, आपको लिखनी आनी चाहिए, दैट्स इट। समझ में आ रहा है यहाँ तक? इन शॉर्ट, बड़ी सिंपल सी एक लाइन में अगर मैं इस पूरे सिस्टम को एक्सप्लेन करूँ ना, तो एक लाइन में यही एक्सप्लेन करना है, मेरा वर्क डन पॉजिटिव है MgH, इंटरनल का नेगेटिव है माइनस MgH, बस माइनस का फर्क है, बात खत्म। बस सौ बातों की एक ही बात है, लिख जैसे मर्जी लो उसे, वो लिखी जा रहा है, लिखते रहो। समझ में आ रहा है ये? तो ये असाइनमेंट ऐसी नहीं है क्योंकि आपसे लिखवा के देखेगा, लिख के दिखाओ कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव और आप लिखते जा रहे हो, या तो करना ही नहीं इस असाइनमेंट को, कुछ नहीं आपको देखना, सिर्फ चीज़ को समझना है, और वो भी वो चीज़ जो ऑलरेडी हम एक बार कर चुके हैं, उसकी रिप्रेजेंटेशन, वो कैसे लिख रहे हैं किताब को आपको पता होना चाहिए। कल को कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, देखो स्कूल में तो नहीं पूछेगा कोई, पक्की बात है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर स्पेशली मेंशन करके आ जाए कंजर्वेटिव है नॉन कंजर्वेटिव, आप क्वेश्चन पढ़ तो सको कम से कम। अगर आपको पता ही नहीं होगा हाउ टू रीड कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव, आपको पता ही लगेगा कि कैसे इसको पढ़ना है। समझ में आ रहा है यहाँ? तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, और ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं आए, क्वेश्चन आए हुए आपके कॉम्पिटिशन में मैंशन करके, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव। ठीक है यहाँ तक? तो पहली डेफिनेशन क्लियर हो गई। ठीक, नेक्स्ट है नोट, वी कैन नॉट डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी कॉरस्पॉन्डिंग टू नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, बता चुका हूं ये डेफिनेशन कंजर्वेटिव के लिए तो वैलिड है, नॉन कंजर्वेटिव के लिए वैलिड नहीं है। ठीक हो गया यहां तक? नोट भी क्लियर हो गया क्या लिखा हुआ है? नेक्स्ट है, सपोज करो वो ये बोलता है कि चलो एक काम करते हैं, इसमें जस्ट एक एग्जाम्पल है छोटा सा, कि सपोज करो ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस ऑपरेट बिटवीन पार्ट ऑफ द
सिस्टम. तो कह रहे ठीक है, हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें आपका सिस्टम क्या है, सिर्फ कंजर्वेटिव के लिए डिफाइंड है. ठीक, कंजर्वेटिव के लिए डिफाइंड है. और इसके अंदर हाँ जी, देखो अगला जो एग्जाम्पल है जो हम जो इसमें किया हुआ है, मैं आपको बड़ा सिंपल लैंग्वेज में समझा सकता हूँ कि वो क्या इसमें क्या करने की कोशिश की गई है. इसके अंदर जो डेफिनेशन उसने हमें बना के दी, क्या डेफिनेशन बना के दी, कि यू एफ माइनस यू आई इज इक्वल टू माइनस वर्क डन, ये डेफिनेशन थी. इसको प्रूव करके दिखाया उसने एक लाइन में कि जो इसने ये कहा वो एब्सोल्युटली करेक्ट है. मैंने भी आपको करके दिखाया, पर मेरा जो तरीका था वो एग्जांपल के साथ था, एमजीएच वाला. पर क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्सेस तो बहुत सारी हो सकती हैं, एमजीएच होना हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होती है प्लस टू में करेंगे वो भी कंजर्वेटिव है. तो कहने का मतलब उसने दो लाइन में बड़ा सिंपल प्रूफ करके दिखाया, क्या यूज करके, वर्क एनर्जी थ्योरम. उसने कहा एक काम करो, ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है माइनस ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम. ये बोलती है कि वर्क डन इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. तो आप क्यों ना ऐसा करो, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. तो इसको एक काम करते हैं, यू एफ माइनस यू आई इज इक्वल टू माइनस के एफ प्लस के आई, या यू एफ प्लस के एफ इज इक्वल टू यू आई प्लस के आई. यानी कि U स्टैंड फॉर पोटेंशियल, K स्टैंड फॉर काइनेटिक, पोटेंशियल काइनेटिक, सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक फाइनल पॉइंट पर इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक इनिशियल पॉइंट. इसको एनर्जी कंजर्वेशन ही बोलते, एनर्जी कंजर्वेशन यही तो है ना, सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक, सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक विल रिमेन सेम. तो उसने जस्टिफाई करके दिखाया कि देखो मेरी डेफिनेशन एब्सोल्युटली करेक्ट है, क्योंकि जब मैंने इसमें वैल्यूज को पुट किया तो एनर्जी कंजर्वेशन वैलिड है. और किसी भी कंजर्वेटिव सिस्टम के अंदर एनर्जी कंजर्वेशन तो वैसे ही वैलिड होता है. हम तो कई बार कर चुके, एक ब्लॉक को ऊपर से नीचे घेरते हैं. आपको याद होगा प्रूफ को एनर्जी से कॉन्स्टेंट प्रूफ करना था, सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक हर पॉइंट पर विल रिमेन. तो वही बात को उसने ऐसे समझाया. तो समझ में आया यहां तक कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं. मतलब फिर एक बार कहूंगा कि ये सारी बातों की एक ही बात है कि कंजर्वेटिव सिस्टम में एनर्जी कंजर्वेशन वैलिड है, और ये हम एक महीने से यूज कर रहे हैं. क्योंकि जितने भी एग्जांपल हमने किए वो अगेंस्ट ग्रेविटी किए. आपने देखा होगा पेंडुलम सर्कुलर में था, हम हर पॉइंट पर दो पॉइंट्स को लेते थे, एनर्जी कंजर्वेशन लगा देते थे, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक. सर्कल के अंदर किया, वर्क पर एनर्जी की प्रॉब्लम में किया कि एक ब्लॉक इधर से इधर गिर रहा है या ऊपर से नीचे आ रहा है, हर पॉइंट पर दो पॉइंट्स पर एनर्जी हमेशा कॉन्स्टेंट है. तो मतलब ये कोई नई चीज नहीं हमें बता रहा, ये सारी चीजें हमें ऑलरेडी आती हैं, बस लिखने का तरीका उसका हमें समझ में आना चाहिए, वो क्या बोलने की कोशिश कर रहा है. क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो अभी तक हमने एक ही चीज सीखी है, और वो ये डेफिनेशन कैसे लिखनी है, बस इतनी सी बात है. और वो भी डेफिनेशन हमें ऑलरेडी अपने एग्जाम्पल से आती है, तो कोई नई चीज नहीं है. क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? और लास्ट पॉइंट है, जब आप बुक पढ़ोगे एच सी वर्मा की तो आपको दो पेज के अंदर, दो ढाई पेज हैं इसके, बहुत उसने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया हुआ है. वो एक्सप्लेनेशन के नोट्स हैं बेसिकली. तो जब वो कई लोग पढ़ते हैं वो बुक्स, ऑब्वियसली काफ़ी जो अच्छा स्टूडेंट है वो को जरूर उठाएगा उसे,
और उसका ऑब्जेक्टिव वन और ऑब्जेक्टिव टू की जो प्रॉब्लम्स हैं वो मेरी शीट के अंदर मैंने डाल दी हैं, वैसे मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा उसे, बट द पॉइंट इज कि जब वो करेंगे तो उनको अब वो ऑड फील नहीं होगा कि हमें तो समझ ही नहीं आ रहा कि वो क्या लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि अगर हम ये ना करवाएं तो स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि हमें तो वर्क पार्टनरशिप बिल्कुल भी नहीं आता, हमें तो लाइन भी नहीं पढ़ी जा रही एक भी, तो अब आप उसको पढ़ पाओगे। ठीक, नेक्स्ट है, लास्ट पेज है, वी कैन नॉट अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन प्रेजेंस ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। अब आप मुझे ये कहो कि काइनेटिक एनर्जी, मान लो एक ब्लॉक है, ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी 10 जूल है और ब्लॉक मूव करता जा रहा है एक फ्लोर के ऊपर और हमेशा उसकी एनर्जी 10 जूल ही रहेगी, ये तो तभी पॉसिबल है व्हेन देयर इज नो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। जब फ्रिक्शन नहीं होगी फिर तो चलेगा, बट इफ देयर इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो आप ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी हमेशा सेम रहेगी। या आपने क्वेश्चन किया था सर्कुलर मोशन में, पेंडुलम का क्वेश्चन था फर्स्ट जो है, या अपनी वर्क एनर्जी पार का पहला न्यूमेरिकल था ये कि एक पेंडुलम है, हम यहां तक ले गए थे, हमने नॉर्मली लगाना था mgh इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन, पर उसमें गिवन था कि वो 5% एनर्जी क्या कर देगा, डिसिपेट कर देगा। अब देखो जब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आ जाती है या विस्कस फोर्स आ जाती है, ये एयर की रेजिस्टेंस आ जाती है, तब तो आप ये नहीं कह पाओगे कि पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, तब आपको लॉस कंसिडर करना पड़ेगा। तो अगर आपके पास कोई ऐसा सिस्टम है जिसमें फ्रिक्शन लगती है उसमें एनर्जी कंजर्वेशन कभी भी नहीं लगेगी, उसमें एनर्जी का लॉस होगा ही होगा। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो देयर विल बी एनर्जी लॉस इन केस ऑफ नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम, फ्रिक्शन आपकी एनर्जी को खराब करेगी ही करेगी। आप ये नहीं कह सकते कि मेरी एनर्जी बिल्कुल उतनी रहेगी फ्रिक्शन हो या ना हो, फ्रिक्शन के साथ आपकी काइनेटिक एनर्जी भी कम होगी। आप एक बॉल को 10 जूल से छोड़ दो, फ्रिक्शन प्रेजेंट है, उसमें 0 जूल होना ही होना है क्योंकि फ्रिक्शन ने इसको खत्म कर ही देना है। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? कोई डाउट इसमें? तो ये पॉइंट क्लियर है, वी कैन नॉट अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन प्रेजेंस ऑफ नॉन कंजर्वेटिव, नहीं लगेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, वर्क एनर्जी थ्योरम इज वैलिड फॉर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अंडरलाइन कर लो, क्वेश्चन आता होता है वर्क एनर्जी थ्योरम, क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन किसके लिए लगता है? कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव से मेरा मतलब है ग्रेविटी की फोर्स में एनर्जी कंजर्वेशन लगता है, फ्रिक्शन के एग्जाम्पल में एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लगता, यानी कि कंजर्वेटिव में एनर्जी कंजर्वेशन लगता है, नॉन कंजर्वेटिव में एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लगता। लेकिन वर्क एनर्जी थ्योरम दोनों में लगती है, ये इंपॉर्टेंट है, कई लोग गलत मार्क कराते हैं, वो पूछेगा क्वेश्चन वर्क एनर्जी थ्योरम इज वैलिड फॉर व्हाट, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव? तो वर्क एनर्जी थ्योरम इज वैलिड फॉर बोथ कंजर्वेटिव एज वेल एज नॉन कंजर्वेटिव, लगा के दिखाऊंगा कैसे। समझ में आ रहा है यहां तक? तो वर्क एनर्जी थ्योरम एक बार लगा के देखते हैं। अब उसके बाद अगला पॉइंट है, ये मैंने करवा दिया, वर्क डन इन राउंड ट्रिप फॉर कंजर्वेटिव इज जीरो एंड फॉर नॉन कंजर्वेटिव इज नॉन जीरो। अगला पॉइंट है, वी आर फ्री टू चूज जीरो पोटेंशियल एनर्जी इन एनी कॉन्फिग्रेशन। ये वो पॉइंट है जब मैं सर्कुलर के एग्जाम्पल्स किया करता था और मैं ग्राउंड को कभी नीचे कभी ऊपर ले लिया करता था अपने कन्वीनियंस से, जहां मुझे ठीक लगता था। याद है ग्राउंड लेवल नीचे ले लो ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, ये वही पॉइंट बता रहा है, कह रहा है ग्राउंड लेवल जो मर्जी ले लो आपकी कन्वीनियंस है। तो हमने कई बार यूज किया लेकिन बोलने का तरीका उसका डिफरेंट है, हमारा यूज करने का तरीका प्रैक्टिकल था, डिफरेंट था। समझ में आ रहा है यहां तक? नेक्स्ट है, इफ नॉन कंजर्वेटिव इंटरनल फोर्सेस ऑपरेट विद इन द सिस्टम। बहुत भारी लाइन है, नॉन कंजर्वेटिव इंटरनल फोर्सेज ऑपरेट विद इन अ सिस्टम। जब बुक में पढ़ोगे तो वैसे ही दो बार पढ़ना शुरू कर दोगे, अपने मन में सोचो फ्रिक्शन एक्ट कर रही है। इन शॉर्ट नॉन कंजर्वेटिव इंटरनल फोर्सेज अ फ्रिक्शन फोर्स, तो ग्राउंड की फोर्स मैंने तो नहीं लगाई ना, है तो इंटरनल फोर्स ना, तो इंटरनल फोर्स अपने आप ही उसमें एक्ट करती जा रही है, यानी यू हैव टू कंसिडर फ्रिक्शन। तो इफ यू वॉन्ट टू कंसिडर फ्रिक्शन और एक्सटर्नल फोर्सेज डू वर्क ऑन दिस सिस्टम, ऊपर से आपने भी धक्का मारना शुरू कर दिया, फ्रिक्शन भी है, आपका वर्क डन भी है। नेक्स्ट, देन मैकेनिकल एनर्जी चेंजेस एट द कॉन्फिगरेशन चेंजेस वगैरह, मैकेनिकल एनर्जी पक्का चेंज होएगी। मैकेनिकल एनर्जी का मतलब क्या होता है? सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक, सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक। तो बेसिकली ये जो स्टेटमेंट है ना पूरी, ये रियल स्टेटमेंट है वर्क एनर्जी थ्योरम की, ये स्टेटमेंट है वर्क एनर्जी थ्योरम की। और मैथमेटिकली वर्क एनर्जी थ्योरम को लिखते कैसे हैं ये देखो,
जो हमने लिखा था ना वो एनसीईआरटी वाला किया, बड़ा छोटा था, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। पता है क्यों? हमने बॉल को फेंका ही ग्राउंड पे, पोटेंशियल एनर्जी को लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी, पहले भी जीरो थी बाद में भी जीरो है, फर्क ही नहीं पड़ा। क्योंकि अब इस केस में वो कह रहा है कि कुछ भी हो सकता है, ये तो कोई जरूरी नहीं कि बॉल हमेशा ग्राउंड पे चलेगी, कैसे भी चेंज करे। एक दीवार के साथ फ्रिक्शन है और आपने ब्लॉक को ऊपर लेके जाना शुरू कर दिया, आप भी फोर्स लगा रहे हो, फ्रिक्शन भी काम कर रही है, ग्रेविटी भी कर रही है, अब ऐसे केस में भी वर्क यूनिट थ्योरम कैसे लगेगी? हमने ऐसा एग्जांपल नहीं किया अभी तक, समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो कह रहे हैं चलो सब सारे वर्क डन कर रहे हैं, फ्रिक्शन भी ले लो, ग्रेविटी भी ले लो, आप भी कर लो जो वर्क डन करना है, सारे मिलकर इकट्ठा वर्क डन करो। तो अगर सारे मिलकर इकट्ठा वर्क डन करेंगे, उसने बोला, तो टोटल एनर्जी चेंज होगी, सिस्टम की टोटल एनर्जी चेंज होगी। टोटल एनर्जी को क्या नाम दिया? मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी विल चेंज, ठीक। तो इसको अब थोड़ा मैथमेटिकल लिखते हैं, उसे क्या बोला इसको एक बार देखते हैं और एग्जांपल से भी देखते हैं इस स्टेटमेंट से क्या मतलब है। तो फॉर एग्जांपल मैथमेटिकली अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, देखो उसने डेफिनेशन लिखी, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम में वर्क डन बाय कंजर्वेटिव, बाय टर्म कंजर्वेटिव मन में ग्रेविटी वर्क डन कर रही है, नॉन कंजर्वेटिव यानी कि फ्रिक्शन भी एक्ट कर रही होगी, वर्क डन एक्सटर्नल मैं भी कोई वर्क डन धक्का मार रहा हूं वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। देखो एक बात तो पक्की है, इतने वर्क डन कर रहे हैं, फ्रिक्शन भी लग रही है, मैं भी कर रहा हूं, और जहां फ्रिक्शन आ जाती है ना, एक बात तो पक्की है, वहां तो वेलोसिटी ने चेंज होना ही होना है। फ्रिक्शन अपनी बॉडी की, आपकी बॉडी को वेलोसिटी को चेंज करके छोड़ेगी, वो तो कम करेगी करेगी। तो अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। हमने बताऊं क्या किया था, हमने इस पूरे की जगह क्या पुट कर दिया था, W, बातें खत्म। हमने तो शॉर्ट किया, हमने कहा कोई फ्रिक्शन नहीं ली, हमने इसको उड़ा दिया, हमने कहा ग्रेविटी का चक्कर ही नहीं है क्योंकि ग्राउंड के ऊपर मूव कर रहे हैं तो ग्रेविटी क्या ही कर लेगी, मेरी स्पीड ऑफ बॉल को तो चेंज कर नहीं सकती ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटी की फोर्स तो वाई एक्सिस के लॉन्ग है, एक्स के लॉन्ग तो है नहीं। हमने इसको उड़ा दिया, इसको उड़ा दिया, जो काम करना था मैंने कर दिया, और मैंने बोला टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, काइनेटिक एनर्जी की डेरिवेशन याद है, ऐसे ही करते थे ना वर्क एनर्जी थ्योरम प्रूव करते थे, डेरिवेशन ऑफ वही सेम है। तो मैंने अपना वर्क डन निकाला और वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ गई। तो हमारी जो एनसीईआरटी की डेरिवेशन थी बस वो इतनी थी, लेकिन पूरी डेफिनेशन क्या है, पूरी डेफिनेशन में आप कोई मर्जी वर्क डन ले लो, आप मेरा वर्क डन ले लो, इसको भी साथ मिला लो, इसका भी वर्क डन साथ मिला लो, आप भी ऐड कर लो अपने, आप भी वर्क डन करने शुरू कर दो, ग्रेविटी लो, फ्रिक्शन लो, एयर की रेजिस्टेंस लो, विस्कस ड्रैग लो, पानी में बॉल को फेंको, पानी की फ्रिक्शन ले लो, जो मर्जी लो, सारे ऐड करते जाओ, काइनेटिक एनर्जी विल चेंज। ये तो पता ही है, इतनी फोर्सेज ऐड करेंगी अगर सारा कुछ मिला दोगे, और फिर एंड में ये तो ना कोई कहेगा काइनेटिक एनर्जी भी सेम रहेगी, तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा ही आएगा, ठीक। तो इसको इसने ऐसे समझाया कि लेट अस सपोज जो कंजर्वेटिव वर्क डन था, कंजर्वेटिव वर्क डन या इंटरनल वर्क डन, वन एंड दी सेम थिंग, एक ही बात होती है, कंजर्वेटिव फोर्स ने वर्क डन किया वो इंटरनल वर्क डन होता है, और इंटरनल वर्क डन थोड़ी देर पहले मैंने आपको सिखाया था वो क्या डेफिनेशन थी, इसके आगे साइन क्या लगता था, माइनस, यहीं से लेक्चर स्टार्ट हुआ आज हमारा, माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो इसको तो बीच में अब्सॉर्ब कर देंगे, यानी कि वर्क डन नॉन कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन एक्सटर्नल इज इक्वल टू इनिशियल, और ये टर्म जब इधर आएगी तो यू एफ माइनस क्या हो जाएगा, यू आई, दैट इज के एफ प्लस यू एफ माइनस के आई प्लस यू आई, दैट इज टोटल एनर्जी, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल का सम क्या होता है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी, और ये भी क्या होता है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी। तो अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, मैंने ये नहीं कहा कि कंजर्वेटिव इंटरनल वर्क डन जीरो हो गया, मैंने एडजस्ट किया है, तो मैंने ये कहा कि टोटल जो वर्क डन होगा नॉन कंजर्वेटिव का, मन में सोचो फ्रिक्शन का, और दूसरा मेरा जो मैंने वर्क डन किया, उनका सम चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी के इक्वल होगा। वो चेंज पता है क्यों बोल रहे हैं, काइनेटिक की जगह मैकेनिकल क्यों आ गया, या टोटल एनर्जी क्यों आ गया यहां पे, क्या पता आप वर्क डन ऊपर करना शुरू कर दोगे, जब ऊपर करोगे ब्लॉक को ऊपर उठाओगे
तो सिर्फ काइनेटिक नहीं, सिर्फ साथ में पोटेंशियल भी चेंज होगी। तो हमें यह बोलना चाहिए चेंज इन टोटल एनर्जी होती है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी नहीं। काइनेटिक एनर्जी तब बोलना है जब यहां पर क्या लगाओगे, वर्क इंटरनल। मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर तो आप सारे वर्क डन को लेफ्ट की तरफ रखते हो, फिर तो आपने वर्क एनर्जी, फिर में ये बोलना है कि टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। लेकिन अगर आप ये वैल्यू पुट कर देते हो और सिर्फ दो वर्क डन लेते हो, एक्सटर्नल एंड नॉन कंजर्वेटिव, फिर आपने बोलना है टोटल एनर्जी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इधर जाके एडजस्ट हो चुकी है। ठीक, तो इसके अंदर जैसे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में मैं फिर से रिपीट करूं, मैंने अपने मन में ग्रेविटी माननी है, इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव फ्रिक्शन है, नॉन कंजर्वेटिव फ्रिक्शन है ना, ये तो कंजर्वेटिव था ना, वो तो मैंने बाद में चेंज किया, इंटरनल था तो कंजर्वेटिव ना ये एक्चुअल। तो मैं फिर से रिपीट करता हूं, देखो अगर मैं बहुत सारे वर्क डन्स लेता हूं, मैं एक बॉडी को मूव करवाता हूं, चलो ऐसे बोलता हूं, मैं एक बॉडी को मूव करवाता हूं, मूव करवाने के लिए मैं एक्सटर्नल वर्क डन करता हूं, मैंने वर्क डन किया कुछ तो किया, 10 जूल का धक्का मारा उसे, 15 जूल का वर्क डन किया, कुछ तो किया, प्लस फ्रिक्शन भी अपना काम कर रही है, फ्रिक्शन मेरी एनर्जी को बढ़ा तो सकती नहीं, फ्रिक्शन तो मेरी एनर्जी को कम ही करेगी, जो भी करेगी वो भी ऐड कर दिया, वो पॉजिटिव या नेगेटिव बाद में देख लेंगे। ये रहा कंजर्वेट, और ग्रेविटी भी अपना काम करेगी तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी ले ली, ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन ले लिया, फ्रिक्शन का भी वर्क डन ले लिया, अपना भी वर्क डन ले लिया, और किसी का लेना है वो भी ले लो, टोटल अमाउंट ऑफ जो वर्क डन होगा ना, दिस इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये थ्योरम है, थ्योरम समझते हो, एक ऐसी चीज है जो एक ऐसी डेफिनेशन बना दी जो टेस्टेड है अलग अलग एग्जाम्पल्स के साथ। हम टेस्ट नहीं करेंगे, हम उस थ्योरम को मानेंगे कि ये थ्योरम सही है। ठीक, मैं आपको एक छोटा सा केस एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं ये क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज समझ लो, अगर तो आपने सारे वर्क डन लेफ्ट की तरफ रखे हुए हैं, फिर तो राइट में आएगी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। लेकिन अगर आपने इसको यूज कर लिया माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी और इसको राइट की तरफ ले आए, फिर ये एनर्जी काइनेटिक नहीं रहेगी, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, टोटल में कन्वर्ट हो जाएगी। मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको चलो एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैं फिर से डेफिनेशन लिख रहा हूं, वर्क डन इंटरनल, वर्क डन फ्रिक्शन, वर्क डन एक्सटर्नल इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये लाइन लिख दी मैंने। हम एक काम करते हैं, हम एक बॉल को ग्राउंड पे फेंकते हैं, ठीक, ग्राउंड पे फेंकते हैं और फ्रिक्शन प्रेजेंट है, तो पहली बात ग्रेविटी का वर्क डन तो मेरे को लेने की जरूरत है ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो वर्क डन होता है वो किसके इक्वल होता है, इसके इक्वल होता है, और अगर आपकी बॉल ग्राउंड पे ही मूव कर रही है तो इनिशियल और फाइनल एनर्जी विल रिमेन, तो ये टर्म सीधी सीधी क्या हो जाती है, जीरो। ठीक हो गया यहां तक, मतलब ये तो अपना काम पता है कब करेगी, जब आपकी बॉल दीवार के साथ ऊपर वॉल के साथ चल रही है और फ्रिक्शन भी प्रेजेंट है और ग्रेविटी भी प्रेजेंट है, तब प्रॉब्लम है। हम छोटा एग्जाम्पल ले लेते हैं, पहले हम अपनी बॉल को कैसे मूव करवाते हैं, ग्राउंड के साथ ही मूव करवाते हैं, तो कम से कम इसको तो खत्म करें, क्योंकि उस केस में ग्रेविटी अपना काम नहीं करेगी, ग्रेविटी मेरी एनर्जी में चेंज नहीं लाएगी। पहला पॉइंट क्लियर है, मिटा दूं इसे, फ्रिक्शन प्रेजेंट है, फ्रिक्शन के साथ एक्सटर्नल मेरा वर्क डन भी प्रेजेंट है। अच्छा चलो और इजी कर देते हैं, मान लो फ्रिक्शन मेरी प्रेजेंट, ये लो फ्रिक्शन प्रेजेंट, तो क्या बचा, मेरा अमाउंट ऑफ वर्क डन इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये तो समझ में आ गया। ठीक है, मेरा अमाउंट ऑफ वर्क डन इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, कोई डाउट इसमें, तो अगर मैं वर्क डन कर रहा हूं तो मेरी काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी, डन। लेकिन अगर मैं यहां पर नॉन कंजर्वेटिव फ्रिक्शन लेता हूं, अगर मैं यहां पर फ्रिक्शन लेता हूं तो ठीक है काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी, उतनी नहीं होगी जितनी पहले हो रही थी, पहले ज्यादा हो रही थी, वेलोसिटी ज्यादा बढ़ गई थी कुछ, लेकिन अब थोड़ी कम बढ़ेगी, क्योंकि फ्रिक्शन मेरी वेलोसिटी को ज्यादा इंक्रीज होने नहीं देगी। समझ में आ रहा है यहां तक, बस ये पूरी कहानी का मतलब है, आप
कोई लिखवा के नहीं देख रहा। मैं पूरी असाइनमेंट को 60 सेकंड में अगर बोलना चाहूँ ना तो ऐसे बोलूँगा, पहले पेज से कि अगर कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव को डिफाइन करना हो, कंजर्वेटिव में टू एंड फ्रो का वर्क डन जीरो, नॉन कंजर्वेटिव में जीरो नहीं, बस पूरे पेज में एक ही चीज़ निकल के आई है। सेकेंड पेज से ये निकल के आता है कि कंजर्वेटिव में एनर्जी कंजर्वेशन लगता है, नॉन कंजर्वेटिव में नहीं लगता, खत्म। ठीक, नेक्स्ट थर्ड पेज पे पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन निकल के आती है, यूएफ माइनस यूआई, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस वर्क डन बाय इंटरनल या वर्क डन बाय एक्सटर्नल, दैट्स इट। ठीक, यहां तक। उसके बाद ये कुछ नहीं है, ये प्रूफ वगैरह, प्रूफ तो हम मान गए यार, जो बोल रहा है ठीक ही बोल रहा है। ठीक, नेक्स्ट है, हम यूज ही कर चुके तो क्या ही इसको वेरीफाई करेंगे। और नेक्स्ट है लास्ट पेज पे कि वर्क एनर्जी थ्योरम हर केस में लगती है, चाहे कंजर्वेटिव हो चाहे ना हो, ये हर की हालत में लगेगी। ठीक, यहां तक। और कैसे लगेगी, ऐसे लगेगी, बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं है इसमें कोई। ये अगर मान लो न्यूमेरिकल टोटल एनर्जी में आता है, फिर इसको यूज करके आप ऐसे कर सकते हो। ये तो ऑब्जेक्टिव वन और टू करोगे ना जब एचसी के, तो मेरी शीट भी आएगी, उसमें आपको पता लगेगा क्वेश्चन कैसे आते हैं, ना ही एनसीईआरटी में आएगा ना ही स्कूल में आएगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक, तो जस्ट आपकी नॉलेज के लिए है कि बुक्स के अंदर अगर ऐसी टर्म्स यूज होती हैं तो कोई ये ना सोचे कि हमें समझ में नहीं आ रहा वो क्या लैंग्वेज यूज कर रहा है। ठीक, दो मिनट देना, ऑब्जेक्टिव शीट्स पे आना जरा। 37 नंबर कौन सी है? ओके, चलो ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट्स पे आ जाओ।